फ्रेंड, कुक विद रानू में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाना। और ये विंटर में तो इतनी सारी वेजिटेबल्स मिलती है कि ये पुलाव इतनी टेस्टी बनती है कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो वाकई बहुत अच्छी बनेगी। तो इसके लिए देखिए, हमने लिया है ये 1.5 कप हमने बासमती राइस लिया है और इसे अच्छी तरह से 3-4 पानी मैंने धो लिया है। और धोकर इसे मैंने पहले 10 से 15 मिनट तक पानी में ही इसे सोक कर दिया था और अब इसे मैंने स्ट्रेनर से छान कर ले लिया है। आप जिस भी चावल का बनाना चाहते हैं आप उसमें इसे बनाइए। इसमें मैंने एक बड़े प्याज को इस तरह से बड़े बड़े शेप में काट के लिया है। इसमें कुछ सूखे मसाले मैंने लिए हैं खड़े। इसमें एक बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक, 2 तेजपत्ता, 5-6 लौंग, 1 जावित्री और इसमें 3-4 हरी मिर्च को इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट के लिए है। कुछ जिंजर को ग्रेट करके और कुछ गार्लिक को ग्रेट करके लिए है। 1 चम्मच मैंने जीरा, हरा जीरा लिया है। ये कोरिएंडर लीव्स है और इसमें कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स है। जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें मटर, गाजर, गोभी, आलू और शिमला मिर्च लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलिए, मैं तो आज पुलाव को कढ़ाई में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे कुकर में, पतीले में, जिसमें भी आप बनाना चाहे इसमें बना सकते हैं। तो इसमें मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून ऑयल। आप जिस भी ऑयल का घर में यूज करते हैं आप डालिए, लेकिन अच्छे ऑयल में ही इसे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और इसमें अब मैं डालूंगी ये 1 चम्मच बटर। आप बटर के जगह घी भी यूज कर सकते हैं। इसमें बटर से इसका बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है। तो आप इसे मिक्स कर लीजिए बटर को इसमें। तो हमारा बटर इसमें मेल्ट हो गया है और ये जो झाग हो रहा है ये बटर के कारण ही इसमें हो रहा है। और इसमें अब हम अपने खड़े जीरा को डालेंगे और ये जो खड़े सूखे मसाले हैं इन सबको हम डाल देंगे इसमें। इसे थोड़ा सा आप रेडी होने तक रोस्ट कर लीजिए। तो हमारे खड़े मसाले अब रोस्ट हो गए हैं। इसमें अब हम अपने ये जिंजर और गार्लिक को डाल देंगे और ये हरी मिर्च है इसे भी हल्का सा आप इसे कटे कट कीजिए। और अब हम डालेंगे अपने इस प्याज को। आपको प्याज को बहुत अधिक नहीं भूनना है, हमें इन सारी चीजों को हल्का हल्का ही भूनना है। तो देखिए, प्याज को मैंने थोड़ा सा बस भून लिया है और अब हम अपने इस सारे सब्जियों को इसमें एक एक करके डाल देंगे। और इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक थोड़ा सा इसमें हाई फ्लेम पर ही हम इसे भूनेंगे। आप इसे लो नहीं करिएगा क्योंकि हमें इसमें सब्जियों का क्रंचीनेस बरकरार रखना है। क्योंकि बहुत अधिक पुलाव में सब्जियां एकदम गल जाती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा पक तो जाना चाहिए लेकिन थोड़ा खड़ा खड़ा रहना चाहिए तभी ये अच्छी लगेगी। तो चलिए, इसे हम हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक भून लेते हैं। तो इसे आप थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहिए। आप सब्जियां अपने इच्छा अनुसार तो ले ही सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा भी आप जितनी डालना चाहते हैं उस अनुसार ले सकते हैं। काफी लोगों को काफी सब्जियां अच्छी लगती है इसमें डालकर, किसी को कम लगती है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं सब्जियों को। तो लीजिए, हमारी सब्जियां तो इसमें पक गई। अब आइए, इसमें हम अपने कुछ मसालों को ऐड करेंगे। तो आप इसमें सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डालिए। और इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर। और इसमें मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी डाली है इसलिए आप लाल मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डालिए। मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला भी। 1/2 टीस्पून मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। कुछ खड़े गरम मसाले हमने डाले हैं लेकिन 1/2 चम्मच हम और ऐड करेंगे। अपने आप मिला लीजिए अच्छी तरह से इसमें। तो थोड़ी देर के लिए बस हम सूखे मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। इसे भूनने में आपको बहुत अधिक समय नहीं लगेगा क्योंकि ये मसाले सूखे हैं।
तो जलने भी लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इसे इस समय फ्लेम को आप थोड़ा सा लो कर दीजिए और अपने मसालों को बस आधा मिनट के लिए भून लीजिए। तब देखिए हमारे मसाले अब इसमें भून चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे अपने इस चावल को। आप चावल को इसमें डालिए, इसे भी अब हम अच्छी तरह से इसे चला लीजिए सारी सब्जियों में, इसे हम मिक्स करेंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे ये जो धनिया के पत्तियां हमने रखी थी इसे भी, और इसे भी आप मिला लीजिए। चलिए अब हमारे चावल भी इसमें मिल चुके हैं और इसमें अब हम अपने पानी को ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1.5 कप जो चावल लिया था तो इसमें उसी कप से हम इसमें मेजर करके इसमें हम 1.5 का उसका डबल मतलब 3 कप पानी इसमें हम डालेंगे। तो ये मैंने एक बड़े ग्लास में 3 कप पानी ले लिया है और उस हिसाब से इसमें डालेंगे। देखिए इसमें चावल थे उसके हमने 2 गुना पानी इसमें डाल दिया। अब आप इसे इस तरह से मिक्स कीजिए और इसे अब हम ढक देंगे और ढक कर आप कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसे इसमें पकने दीजिए। पहले तो जब इसमें बॉयल आ जाएगा फर्स्ट आप इसे ढक दीजिए हाई फ्लेम पर, और जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो इसे हम मीडियम करके कम से कम 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। देखिए हमारे चावल में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और इस वक्त अब हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच मैंने लेमन जूस लिया है, इसे आप इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। इससे आपके चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे और अच्छे लगेंगे। तो चलिए इसे अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इस वक्त हम लो टू मीडियम फ्लेम को कर देंगे और इसमें अपने पुलाव को पकने देंगे। तो आप इसे अब ढककर छोड़ दीजिए कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। चलिए हम अपने पुलाव को अब चेक करते हैं। देखिए हमारा पानी इसमें पूरी तरह से सूख गया है और ये पूरी तरह से पक चुका है हमारा चावल, लेकिन फ्लेम को हम इस समय तो बंद कर देंगे लेकिन अभी हम इसे निकालेंगे नहीं। अभी हम इसे ढककर कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसी में रहने देंगे ताकि इसी के अंदर गर्माहट से ये पूरी तरह से बराबर मिल जाए और तब हम उसके बाद इसे निकालेंगे। तो आइए 6-7 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने पुलाव को चेक करते हैं। वाओ देखिए हमारे इसमें पुलाव सारे एडजस्ट हो चुके हैं और ये देखिए कितने ये खिले खिले हमारे पुलाव बनकर रेडी हुए हैं, पूरी चावल एकदम खिली खिली है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये इस तरह से हमारी ये वेजिटेबल पुलाव बनकर रेडी है। आप इस तरह से अपने घर में बनाइए, बहुत ही टेस्टी ये बनकर रेडी हुई है। तो कैसी लगी आपको मेरी वेजिटेबल पुलाव? अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज उनके नोटिफिकेशन पे सबसे पहले पहुंचे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। ओके टेक केयर एंड बाय।